सर अल्टीमेटली बिकॉज हम लोग उसमें करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च करते हैं तो ये रात को छोड़ते हैं सर हम एफआईआर भी लॉन्च तो आपने उसको तो बैरिकेड 2 बजे 3 बजे तो जो उसके अंदर घोड़ा आएगा फिर वो हमारा हो जाएगा बाद में खत्म फिर तो वो चलाना उस पर हम लोग तो पुलिस लास्ट से हमने सोचा था फिर कुछ घोड़े से जो ठीक पूछ रहे थे ना कि ये गाड़ियां जो चलिए अब तो मैं तुम्हारे से एग्री कर रहा हूँ यार रोड्स का थोड़ा सा इशू है एंट्री एग्जिट पे बहुत सर शैबी लुक देता है इसमें बहुत हैरेसिंग सर मैंने ऑलरेडी तेरी आप है ना सीसीटीवी लगा के इसको आप अच्छे से देखो थोड़े पॉटहोल तो भर दो कम से कम सर सर हमने आई हैव फ्लोटेड रिक्वेस्ट फॉर परमिशन लिफ्टिंग मटेरियल फ्रॉम नई रेट आ रही है उस पे हम ड्रिल कर रहे हैं बना रहे हैं तकरीबन वो 5-6 दिन में आपके सब खुद यहां पर या जो सब वो चस्पा कर रहे हैं अभी जो काउंटर है सर उस पे इस वक्त सीओ साहब ने कहा कि हम उसकी इनॉग्रेशन करेंगे तो वो रन पहले हम आपका खुशामदीद करते हैं कश्मीर टाउन में आज की जो यहाँ पर मीटिंग थी क्या लग रहा है आपको सर किस नज़रिया से आप आज की इस मीटिंग को देख रहे हो क्या इम्पैक्ट इसके पड़ने जा रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया मैं आकिब चाया होटेलियर्स क्लब का प्रेसिडेंट फ्रॉम गुलमर्ग चैप्टर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डिवकॉम साहब के जो यहाँ पर आए हमारी इशूज़ के बारे में बात की बेसिक इशू जो हमारा यहाँ पर था जो हम बार बार गवर्नमेंट के साथ ले रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं वो इस बात का है कि जो हमारी टूरिज्म रजिस्ट्रेशन है उसका रिन्यूअल उसकी रिन्यूअल बहुत ज़रूरी है हर फोरम पे हर जगह पे हम यही बोल रहे हैं कि हमारी जो टूरिज्म रजिस्ट्रेशन है इनका रिन्यूअल कीजिए इसके साथ साथ सीओ साहब भी प्रेजेंट थे और बाकी अफसरान भी थे जो हमारा यहाँ पर टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ा है इसको किस तरीके से मैनेज करें यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फायर फाइटिंग की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और हम एज होटेलियर्स CSR में कैसे आगे आए और अपनी अपनी जगह मेंटेन करें जब हम आगे आकर अपनी जगहों को मेंटेन करेंगे उससे गुलमर्ग आगे बढ़ेगा पहलगाम आगे बढ़ेगा सोनमर्ग आगे बढ़ेगा कश्मीर आगे बढ़ेगा सर खासकर अगर हम पिछले 2 या 3 सालों में देखें टूरिस्ट का क्राउड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है उस वजह से कहीं ना कहीं यह देखने को मिल रहा है कि गुलमर्ग की जो ग्रीनरीज है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर मिल देखने को मिल रहा है क्योंकि आज जहाँ कहीं भी हम ग्रीन मैदान में देखें या ड्रेनेज सिस्टम में देखें कूड़ेदान की सूरत इख्तियार कर गई है उससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज चली जाती है बाहर ममालिकों में टूरिस्ट के ज़रिए से तो उस पर हम किस तरह से रोक लगा सकेंगे देखिए हमारी बात उस बारे में भी हुई है जो हमारा सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उस लिहाज से भी हमने यहाँ पे बात की हमारे ईओ साहब प्रेजेंट थे उनसे हमने डंपिंग साइट्स की बात की और किस तरीके से ये ट्रीटमेंट प्लांट्स चलेंगे और एज अ सोसाइटी हमारा फ़र्ज बनता है छोटी छोटी चीज़ों से ही इंसान बड़ा बनता है बूंद बूंद से सागर बनता है अगर हम पहली बात यहाँ पर हमने ये एक मुहिम चलाया कि हम जी बिल्कुल प्लास्टिक फ्री कर देंगे अब एज अ सोसाइटी हमको भी आगे बढ़ना चाहिए एंड वी शुड डू आर बिट आरओ सिस्टम लगाए हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक वाटर बॉटल्स कूड़ेदान बनाए हैं ग्रीन रिसाइकलेबल यूज़ करने के लिए और भी बहुत सारे हमने इनसे बात की है और उस पर काम चल रहा है एंड वंस मोर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आई एम रियली 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 थैंकफुल टू द LG एडमिनिस्ट्रेशन तो डिवकॉम साहब सीओ साहब डायरेक्टर साहब जितने भी हमारे टूरिज्म के अफसरान हैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार कि कश्मीर में आज टूरिस्ट इन्फ्लक्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही चले आखिर पे सर आपकी कोई मैसेज रहे कि जो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स गुलमर्ग में है चाहे होटेलियर्स है गाइड है टू या पोनी वालाज है कि इस ग्रीनरी को बचा सके इसकी शान पर कोई असर ना पड़े देखिए सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ चाहे ये होटल वाला हो घोड़े वाला हो पुनी वाला हो शिकारे वाला हो हाउस बोट वाला हो या ट्रैवल एजेंट हो हम एक फैमिली है ये एक टूरिज्म की फैमिली है ये हमारी रोजी रोटी इस टूरिज्म से चलती है तो ये हमारा फ़र्ज बनता है हर एक का मैं खाली होटल वाले की या पुनी वाले की या शिकारे वाले की बात नहीं करूँगा हम सब का फ़र्ज बनता है कि हम एक एथिकल वे से बिजनेस करें हम अपना 100% दें इस ग्रीनरी को बचाने में बिल्ला मिन जालिक हम अल्लाह ताला तो है नहीं हर एक में कुछ ना कुछ खामी होती है उसको ठीक करने की ज़रूरत है जहाँ पर भी हम गलत हैं वहाँ ठीक करना चाहिए हमको और इंशाल्लाह आगे हमारा टूरिज्म इससे भी ज़्यादा चले और यहाँ पर शांति और अमन बना रहे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच को
कुछ कि ओवर चार्जिंग की कुछ कंप्लेंट्स थी या उसके अलावा उनको किसी जगह से आने से रोकना या और कुछ भी जो माल प्रैक्टिस आप कह सकते हैं वो सामने नज़र में आ रही थी, तो उसी को से रिलेटेड सभी जगह का जो है एक तरीके से हमने इंटरेक्शन किया है। और आज जो मुझे खुशी की बात यह है कि हम सब ने मिल के एक डिसीजन लिए हैं जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स ने अपने सजेशन दिए हैं और सब ने एक दूसरे के व्यू पॉइंट को भी सराहा। और आठ है देखिए, न केवल सिक्योरिटी कंसर्न को अगर अलग रख भी दें तो भी अगर यूनिफॉर्म हो तो वो ठीक लगता है और ये हमारे स्टेक होल्डर्स है। पोनी वाले को अगर हम आई कार्ड देते हैं जिससे हम रिकग्निशन देते हैं तो वो उनके भी लिए काफ़ी इज्जत की बात है जो हमें उनके हौसले। तो यूनिफॉर्म का डिज़ाइन सीईओ साहब और इनके साथ मिलके बना रहे हैं ताकि ऐसी यूनिफॉर्म हो जिसे वो जैकेट टाइप या और आई कार्ड जिसको पहन सके, ये ना हो कि वो आज पहना और वो घर पे रख के आ गया, तो उस तरह का